Suraj. Okay, dear student, we are conducting the SNAP of our student Suraj, and this SNAP for our digital electronics and for our DRDO. Okay, now let's start. Very basic question. What is the difference between synchronous and combinational circuits? Sequential and combinational circuit. Yes, sir. Actually, combinational circuit does not depend on the feedback elements. Hello, sir. हाँ जी बोलते चलें बोलते चलें. कॉम्बिनेशनल सर्किट सर फीडबैक एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि सिक्वेंशियल एलिमेंट्स सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है सर उसमें फीडबैक होता है और वो मेमोरी एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, मतलब सर पास्ट आउटपुट क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा सिक्वेंशियल. और एक ही डिफरेंस है, और डिफरेंस बताइए आपसे जितना आप जानते हो उससे रिलेटेड बताइए. ओके सर. और सर और डिफरेंसेस में होता सर क्या एग्जांपल है उसके, दोनों के एग्जांपल बता दें. यस एग्जांपल में अगर हम हाफ एडर फुल एडर लें तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्सर डिकोडर इनकोडर ये सारे हो जाएंगे सर कॉम्बिनेशनल के. और काउंटर काउंटर फ्लिप फ्लॉप्स लैचेस और शिफ्ट रजिस्टर्स ये सर सारे सिक्वेंशियल्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं. ओके okay. एक 3-bit अप काउंटर डिजाइन कर दें, 3-bit अप रिपल काउंटर डिजाइन कर दें, मॉड 6 मॉड 6 3-bit रिपल काउंटर. ओके सर. यस सर. थ्री इसमें सर 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे हम सर. हेलो सर. हाँ जी हाँ बताते चले, मैं सुन रहा हूँ, बोलते चले. सर इसमें हम 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे. आप बना के दिखा दें. बन गया सर्किट, बन गया सर्किट, बन गया है क्या? एक मिनट सर. सर्किट आपको बोला है सर्किट, तो सर्किट बना दें. ठीक है. हाँ बन गया सर. एक्चुअली मैं थोड़ा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर सर्किट में. इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को इसका पता है सर. 3 फ्लिप फ्लॉप्स ले लेंगे हम. और सर जो ABC 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे. और सर जो 6 मॉड 6 की सर आप बात जो कर रहे हैं सर उसका सर उसका हम डिजिटल इक्विवेलेंट निकालेंगे मॉड 6 110 से सर. तो फ्लिप फ्लॉप ए और बी का जो सर आउटपुट होगा हम एंड गेट पे देंगे और सी आउटपुट से कोई मतलब नहीं होगा सर. लेकिन हम इसके बाद सर अभी मेरे को थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है. ओके चलो. ओके काउंटर जो बात कर डिजाइन पॉइंट लिटिल. यस सर. काउंटर करता क्या है? व्हाट काउंटर एक्चुअली डूइंग काउंटिंग के अलावा? और हम बात करें काउंटिंग के अलावा क्या सर? हम टाइम डिले अगर हमको करना है किसी सर्किट में टाइम डिले अगर करना है सर उस केस में भी सर काउंटर का यूज किया जा सकता है.
और सर वेव जनरेशन के लिए भी काउंटर का यूज किया जाता है सर, जनरेशन फ्रीक्वेंसी डिवीजन में यूज होता है, कैसे यूज होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, कैसे काम करता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन में सर ये ऐसे काम करता है, जैसे हमने सर इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दी है 100 MHz की, और सर हमको ये आउटपुट जो है तीसरे स्टेज के सर फ्लिप फ्लॉप पे देखना है, तो ये सर 100 का 3 डिवाइड कर देगा सर, जो आउटपुट मिलेगा एफ एफ इनपुट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा सर, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का 3 होगा, ऑलवेज बी डिवाइड बाय 3 सर, कोई भी काउंटर हो 3 से ही डिवाइड होगा क्या? नो सर, जितने फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे उससे डिवाइड होगा सर, अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो दो डिवाइड होगा सर। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने 3-bit रिपल काउंटर है, ठीक है, इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 1 kHz, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए सर? 1/8 kHz। 1/8, हेलो, टू टू दी पावर, यस सर। अभी आपने बोला डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 8 क्यों हो रहा है अभी सर? एक्चुअली रिपल काउंटर में सर 2 to the power n होता है, एफ आउटपुट की वैल्यू एफ इन डिवाइडेड बाय 2 to the power n होता है सर। एक्चुअली मैं थोड़ा भी यहाँ पे सर स्लिप कर रहा हूँ, सिंक्रोनस हो रहे हैं सिंक्रोनस के। आप क्या पढ़ के आए हैं? डिजिटल टॉपिक बताइए जो आपको ठीक लगता है, आपने जो एक टॉपिक बताया मुझे जिसमें आप कॉन्फिडेंट। सर 2-3 दिन पहले मैंने सर ऑलमोस्ट पूरा ही एक बार रीड किया हुआ है सर, बट एक्चुअली सर ये मेरा फर्स्ट टाइम। नहीं सर, मैं वो बात बता सकता हूँ सर, मल्टीप्लेक्सर का, जैसे मल्टीप्लेक्सर है। यस सर, चलें एक एक्सओआर गेट डिजाइन कर दें यूजिंग द 2x1 मल्टीप्लेक्सर। सर एक्सओआर गेट? या एक्सओआर गेट सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। हेलो सर, आप सर 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है सर? सर बन गया। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? 2x1 मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करना है आपको, 2 इनपुट XOR। यस सर, तो हम सर जो सिलेक्ट लाइन लेंगे वो सर सर्किट दिखाओ। हाँ सर्किट बना के दिखाएं। दिख रहा सर? हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। ओके, इसमें आप मुझे इतना कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितने लगाए आपने? एक ही मल्टीप्लेक्सर से काम हो जाएगा? यस सर, एक ही लगाया है। अच्छा, एक से आ जाएगा कि हमें 2 लगाने पड़ेंगे? सर अभी तो एक से बन जा रहा है सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 लगेंगे, चले। अब मुझे डिस्क्राइब करें, मैं बोल रहा हूँ क्यों 2 लगेंगे, चले। मैं बोल रहा हूँ इसको बनाने के लिए आपको 2 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें सर। हेलो, हाँ जी 2x1। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सर b का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको बनाने के लिए सर मेरे को एक और मक्स का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि अगर ए और बी को ओरिजिनल फॉर्म में लेके चले सर, एक ही इनपुट बी को ओरिजिनल फॉर्म में लें और उसको कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और मक्स का यूज करें। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करें कि सपोज हम एक मेरे पास 4x1 मक्स है, ठीक है? यस सर। अब 4x1 मक्स से हम कितने वेरिएबल के फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं? फोर क्रॉस वन मक्स सर,
सर एक्चुअली जब एन बिट का मल्टीप्लेक्सर होता है सर मेरे पास, तो सर टू क्रॉस सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने बोला है कि 4x1 mux से हम कितने इनपुट वेरिएबल का फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर इट इज क्लियर। बताएं सर, 4 and 5 वेरिएबल, 4 इनपुट का आप कर पाओगे? 4 इनपुट का कैसे करोगे 4x1 mux से, जरा बताएं। सपोज आपके पास मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, चले लेके एफ ऑफ ए बी सी डी, यस सर, मिंटर में उसमें मिंटर बोल रहा हूं मैं, 0, 1, 4, 9, 10, 12, 13, चलो इसको डिजाइन करते हैं। आप बोल रहे हैं कि 4x1 mux से हम डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन करके बताएं जरा कैसे करेंगे डिजाइन। सर अभी सर समझ नहीं आ रहा है इसका सर करने का, सर नहीं हो पा रहा है तो नो
ओके अगर हम बात करें लॉजिक फैमिली की, तो लॉजिक फैमिली में आप नॉट गेट बना के दिखा दें मुझे, कैसे बनाते हैं नॉट गेट? सर एक्चुअली लॉजिक फैमिली सर अभी नहीं पढ़ा था मैंने, नहीं पढ़ा हुआ है सर, अभी नहीं पढ़ा था लॉजिक फैमिली। अच्छा, माइनस सेवन को कैसे लिखेंगे उसको लिख के बता दें, माइनस सेवन को रिप्रेजेंट करें। सर फोर टाइम्स वन सर, कैसे किया आपने? आपने पहले मुझसे ये तो पूछा नहीं कि सर माइनस में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कौन से नंबर सिस्टम में करूं, साइन में करूं, वन एस में करूं, टू एस में करूं, आपने सर मैंने साइन सॉरी सर मैंने साइन मैग्नीट्यूड में किया। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन मैग्नीट्यूड में कर दिया, कैसे किया साइन मैग्नीट्यूड में, क्या कांसेप्ट होता है साइन मैग्नीट्यूड का? सर साइन मैग्नीट्यूड का कांसेप्ट ये सर होता है सर कि अगर नेगेटिव नंबर से तो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव नंबर को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो 1s में करना हो तो सर आप इसे 1s में कर दें, 1s में कैसे नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे? तो सर 1s को 0s में कन्वर्ट कर देंगे सर मैग्नीट्यूड वाले को, केवल आप बता दें मुझे हाउ टू रिप्रेजेंट माइनस सेवन इन वन एस कॉम्प्लीमेंट। सर 1000 1000 ओके ओके, क्या नाम है आप विजय, क्या बताया था एक बार नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर सूरज कनौजिया। सूरज, सूरज चलिए आपका टाइम हो गया है सूरज, लेट्स कंक्लूड योर इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द फीडबैक आउट टू योरसेल्फ, आप बताएं आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपको क्या लगा, फिर मैं फीडबैक देता हूं। एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूं तो सर थोड़ा फंबल कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चीजें मुझे जैसे मक्स वाली चीजें सर मुझे काफी हद तक क्लियर थी लेकिन सर मैं वो अभी गड़बड़ कर रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, अभी आप पूरी तरह से इसमें प्रिपेयर नहीं है। आउट ऑफ 10 में अभी आपको 6 मार्क्स दूंगा फॉर द टेक्निकल। ओके, अभी आपका टेक्निकल क्लियर नहीं है, और टेक्निकल क्लियर नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी उस वजह से आपका बहुत कम है। ठीक है, बहुत, क्योंकि डीआरडीओ का इंटरव्यू आपको पता होगा, डीआरडीओ बहुत अच्छे लेवल का इंटरव्यू लेता है। अभी तो मैं जस्ट ऊपरी लेवल पर था, है ना, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा बहुत डीप थोड़ा बहुत पूछा होगा, है ना। जब आप उसको क्लियर करते देन आई विल गो फर्दर एंड फर्दर, पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेप ही अभी अपना क्लियर नहीं हो पाया है। ओके, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छी लेवल पर पढ़ना है, बिकॉज इन द डीआरडीओ दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कोई जेईई का एग्जाम का इंटरव्यू नहीं है कि ठीक है ऊपर ऊपर लेवल पर उन्होंने पूछ लिया बताओ हमारा लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कैसे बनता है, ऐसा नहीं हुआ है ना। कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, ये सभी उधर ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा उसको इस लेवल पे प्रिपेयर करें। ओके ओके, ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तो कुछ पूछना दिमाग में कुछ नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है, चल ओके सर, ओके ठीक, बेस्ट ऑफ लक, आप अभी लीजिए। थैंक यू।